और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के गढ़ कहे जाने वाले पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए हैं। तिकेन इलाके में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई थी। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने इलाके को घेरा और लगातार ऑपरेशन उनकी ओर से चलाया जा रहा है। टिकन गांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुबह 5 बजे के करीब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी तलाशी के दौरान एक घर में छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। आतंकियों की फायरिंग के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की और इस फायरिंग में दो आतंकियों को मार गिराया गया। तो पुलवामा की ये पूरी घटना है जहां लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। दो से तीन आतंकियों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद से ही ये अभियान शुरू किया गया। लगातार कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। दो आतंकियों को अब तक मार गिराया गया है। लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह 5 बजे की ये घटना है जब सुरक्षा बलों की ओर से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इस ऑपरेशन को शुरू करने के बाद जब तलाशी सुरक्षा बलों की ओर से ली जा रही थी, उसी वक्त एक घर में छुपे आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की है, जिसमें दो आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया जा चुका है। अभी भी आतंकियों के छुपे होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर लगातार सुरक्षा बल अपना चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इलाके में छानबीन की जा रही है कि अगर और कोई आतंकी वहां पर छुपा हो तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और उस आतंकी की धरपकड़ जल्द से जल्द हो। इसी को लेकर लगातार सुबह के वक्त से ही सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर की ये पूरी घटना है जहां पुलवामा के तिकेन में ये पूरी घटना हो रही है। तिकेन गांव में ये पूरी घटना हो रही है जहां पर सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को पकड़ा जाए। और जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता जावेद अहमद लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ पूरा मामला है? सुबह 5 बजे से लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है, दो आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। कितने आतंकियों के और छुपे होने की आशंका है? जी शानी, मैं आपको बता दूं कि ये जो दक्षिण कश्मीर का पुलवामा इलाका है और पुलवामा का एक मोलही का जो है गांव है टिकन नामी इलाका, वहां पे फोर्सेस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उसके बाद ही सूचना के मिलने के बाद ही पूरे इलाके को फौज और सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। और जो भी वो मुश्तबा जिस जगह पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी थी वहां पे पहुंचे तो उन्हें अगर चाहिए सरेंडर करने की जो पेशकश भी की जा रही है, जैसा कि पिछले एनकाउंटर्स में देखा गया है, लेकिन अक्सर लोग जो है तो वो सरेंडर करने की कोशिश जो आप सरेंडर करने का कोशिश ठुकराते हैं। लेकिन यहाँ पे टिकन नामी गांव में आज शबाना जो रात को ये सूचना के बाद ही पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया था और मुठभेड़ शुरू हो गई थी, वहां पे दो मिलिटेंट जो अलबदर नामी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बताए जा रहे हैं उनकी और दो मिलिटेंट उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन पूरे इलाके को फिलहाल जो कॉर्डन में ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि एक आम नागरिक जख्मी भी हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकल किया गया है। लेकिन फिलहाल जो है इलाके में हालात पुरतनाव है इस एनकाउंटर की वजह से, क्योंकि आज काफी देर के बाद करीब बीडीसी इलाके में जरूर बन गए हैं क्योंकि दो आतंकियों को अब तक न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी जारी है। किस तरह से जो स्थानीय लोगों हैं उनके बचाव को लेकर काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि घटना में एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लग गई है, और लोगों की सुरक्षा को लेकर किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है? ये जो आम नागरिक की जो इनका इंजर्ड हुआ है, जो जख्मी हुआ है, ये बिल्कुल गोलाबारी के दरमियान आते हैं। आम नागरिक को जैसा कि फौज का और फोर्सेस का जेएंडके पुलिस का सीआरपीएफ का पहले से ही रहता है कि जिस जगह पे ये एनकाउंटर होना होता है या जिस जगह पे सूचना मिलती है वहां के लोगों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन मिलिटेंट्स की जानिब से फिर फायरिंग की जाती है। तो इसी बीच गोलाबारी के तबादले में ये सिविलियंस आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश भरपूर की जा रही है। जो आम नागरिक है
है वहां पे, उन्हें बाईपासित बाहर निकालने के लिए जो कोशिश की गई है, फिलहाल जो मुठभेड़ जारी है, लेकिन आम नागरिकों को एनकाउंटर की जगह से बिल्कुल दूर रखने के लिए कहा भी जा रहा है। जो आसपास के इलाके भी है जो एनकाउंटर का मकाम होता है, लेकिन एनकाउंटर जिस घर में होते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, जिस घर में या जिस मकान में एनकाउंटर होता है वहां के नागरिकों को, वहां के बाशिंदों को बाईपासित बाहर निकालना होता है। बिल्कुल जावेद, क्योंकि सुबह 5 बजे से यह एनकाउंटर शुरू हो गया था, इस वक्त कैसे हालात हैं, क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है, क्योंकि तलाशी अभियान लगातार सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है ताकि जो भी आतंकी वहां पर छुपे हो उनकी धरपकड़ जल्द से जल्द हो पाए, क्या अभी भी एनकाउंटर किया जा रहा है, क्या गोलीबारी अभी भी दोनों ओर से चल रही है? इब्तदाई जो मामला, इब्तदाई इतलात जो थे सुबह सवेरे से कई घंटे तक जारी रहने वाली इस मुठभेड़ में फिलहाल 2 मिलिटेंट्स के न्यूट्रलाइज होने की खबर है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों के अनुसार खबर मिली है, फायरिंग की आवाजें रुक गई है। तो इस बीच अभी फायरिंग की आवाज दोबारा आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है, फोर्सेज ये पता लगा रही है कि इलाके में कोई और मिलिटेंट की मौजूदगी तो नहीं है, इसी बीच वो तलाशी अभियान अभी भी फिलहाल जारी है। चलिए जावेद, आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे जरूर अपडेट्स लेते हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।